चलिए बताइए, आपने शादियों में तो बहुत सारी टिक्कियां खाई होगी, लेकिन कभी आपने स्टफिंग वाली टिक्की खाई है क्या? तो आज मैं यहाँ पे स्टफिंग वाली टिक्की बना रही हूँ। तो करना क्या है, लेने हैं बॉइल्ड पटेटोस, फिर है ना उसमें डालना है चावल का आटा, अरारोट का आटा, फिर है ना उसके अंदर डालना है नमक, और है ना उसके बिना पानी का डो बनाना है और धनिया डाल के, फिर है ना चने की दाल मैंने यहाँ पे 2 घंटे पहले भिगो के रख दी थी और इसे अच्छे से बॉईल कर रही हूँ नमक डाल के। बॉईल होने के बाद इसे ड्रेन करना है। ड्रेन करने के बाद एक पैन में लेना है ऑयल और चने की दाल डाल देनी है। फिर डाल रही हूँ यहाँ पे नमक, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर। फिर इसको अच्छे से ना मिक्स करना है, थोड़ा सा धनिया डाल देना है और इसे 2 मिनट पका के निकाल के ठंडा होने देना है। ठंडा होने के बाद हमारे डो का अच्छा खासा रेस्ट हो चुका है और फिर हम जैसे आलू के पराठे में स्टफिंग भरते हैं ना, वैसे इसमें स्टफिंग भरनी है और टिक्की बना देनी है। और फिर एक पैन में लेना है ऑयल थोड़ा सा, फिर ना इसको एकदम सेक लेना है या घी में भी सेक सकते हो। फिर इसको तोड़ के मैंने इसमें डाले हैं छोले, दही, हरी चटनी, प्याज और फिर डाला है इसमें हरा धनिया। अब इसको खाओ, एकदम टेस्टी लगती है।